लाइन से ही पढ़ रहे हैं ना, एक्सक्रीशन बोला था। हाँ हाँ ठीक है, एक्सक्रीशन गेट में सर एक लाइट बंद कर बोला हम नहीं रखेंगे सर कोई लाइन बंद कर तो। चलो इधर ध्यान दो, अभी एक्सक्रीशन सब पढ़ कर आए। अच्छा मैंने पढ़ाया था कुछ याद है? हाँ। याद है एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ कितने लंग्स होते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? किडनी। लंग्स होते हैं? नहीं। हार्ट? नहीं। हार्ट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इनडायरेक्ट? अच्छा। यूरेथ्रा होता है? यूटेरस होता है? नहीं 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 होता। कितने लोगों के पास यूटेरस है? इन्होंने हाथ उठाया। कितने लड़कों के पास यूटेरस है? लकी क्या है या नहीं है? नहीं। पक्का? एक बार कर। ठीक है इधर। अरे फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनी। किडनी से क्या राइज होता है? यूरेटर। क्या होता है? यूरेटर। यूटेरस का होता है? फीमेल रिप्रोडक्शन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने लड़कियों के पास में? नहीं के पास नहीं। ठीक है, सो किडनी यूरेटर बोथ यूरेटर ओपन इनटू सिंगल यूरिनरी ग्लैंड। बोलो सिंगल यूरिनरी ग्लैंडर। ठीक है फिर ब्लैडर ओपन इनटू बोलो यूरेथ्रा। अरे इसमें यूरेथ्रा। ठीक है एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी हमें? वेस्ट प्रोडक्ट को इलिमिनेट करना। हां सो हमारे बॉडी में कंटीन्यूअस क्या चलते रहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन। आवाज नहीं है ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं बोलो? यूरिन। हाँ अमोनिया। अमोनिया स्वेट। स्वेट कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिक एसिड। और यूरिया। ह्यूमंस में अमोनिया पाया जाता है क्या? नहीं। अरे ह्यूमन में अमोनिया होता है क्या? हाँ। ह्यूमन अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं क्या? नहीं। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन किडनी। फिर लीवर। लीवर में ठीक है। तो क्या हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और स्वेट अदर नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से ही वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऐसे होता है क्या? सिर्फ मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से ही वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे बॉडी में? मोस्टली मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से। और दूसरा कॉज क्या होता है? एक्सेस इंजेशन। पढ़ाया था ना एक्सेस इंजेशन की वजह से। सो हमारे बॉडी में जो वेस्ट होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स के कॉजेस क्या है? ये दो, मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड एक्सेस इंजेशन। ये जो वेस्ट है इनको एलिमिनेट करने के लिए हमारी बॉडी ने क्या बनाया है? हमारे बॉडी में क्या है? सिस्टम प्रेजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करते थे एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट उनको हम क्या बोले? अमोनोटेलिक। अमोनिया क्या है? ये हाईली टॉक्सिक होता है, मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है? हाईली टॉक्सिक। जब ये हाईली टॉक्सिक है तो इसको वाटर सबसे ज्यादा लगेगा, सबसे कम लगेगा? सबसे ज्यादा। सो रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर।
अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। अमोनोटेली क्या, अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसमें सबसे ज्यादा पाया जाएगा? एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। सो क्या फिशेस, समझ में आया? अमोनोटेलिक। इसके बाद में दूसरा टाइप कौन सा था? यूरियोटेलिक। ये क्या सीक्रेट करते थे? यूरियो, यूरिया, ठीक है। सो ह्यूमंस क्या होते हैं? यूरियोटेलिक। इसीलिए ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको क्या बोलते हैं? यूरिया, ठीक है। तो इसमें क्या एक्सक्रीट होता है? यूरिया। यूरियोटेलिक में अमोनिया पाया जाता है, ह्यूमंस में अमोनिया पाया जाता है, यस। अमोनिया एक्सक्रीट होता है? नहीं, अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिया। सो अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया कहां पर? लीवर में, ठीक है। इसका एग्जांपल ह्यूमंस या होमोसेपियंस? होमोसेपियंस। क्यों ह्यूमंस नहीं आ सकते? बात तो एक ही है। और तीसरा क्या था? यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, ये कैसा, इसमें क्या सीक्रेट होता है? यूरिक एसिड। लेस अमाउंट, ये कैसे होता है यूरिक एसिड कंपेयर टू दिस? लीस्ट टॉक्सिक। जब लीस्ट टॉक्सिक है तो वाटर का बॉडी कंजर्वेशन करेगी या उसको एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी, डाइल्यूट करके उसको एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए ज्यादा वाटर लगेगा या कम वाटर लगेगा? कम वाटर, ठीक है। तो यूरिक एसिड या फिर यूरिकोटेलिक एनिमल्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा? पेस्ट लाइक, ठीक है। कैसे एक्सक्रीट होगा ये? पेस्ट लाइक, थिक कंसिस्टेंसी, ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगी इसके? एम्फीबियंस कौन से, ठीक है। इतना समझ में आया? एम्फीबियंस, एम्फीबियंस डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं, यूरियोटेलिक भी होते हैं कुछ कुछ, यूरिकोटेलिक भी होते हैं। समझ में आया? फिर इसके बाद हमने देखा था, अब देखो वो पॉइंट मैंने स्किप किया था, वो छोटा पैराग्राफ कि एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा वो। उसमें तो बेसिकली क्या था कि सारे फाइलम्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो बताया गया था, ठीक है। सो शुरू करते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स कौन से किंगडम में? कहां पर? प्लैटी हेलमिंदस। उसके बाद में एस्केलमिंदस में क्या थे? एक्सक्रीटरी ट्यूब्स। क्या? एक्सक्रीटरी ट्यूब्स, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स थे ना। तो एक्सक्रीटरी ट्यूब्स किसमें पाए गए? एस्केलमिंदस। ठीक है। इसके बाद में एनेलिड्स में क्या? नेफ्रिडिया। ये किसमें पाए गए? एनेलिड्स। ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया किसको बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स को ही बोलते हैं, ठीक है। फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ठीक है। अब सॉरी, हाँ, क्वाड्रेटा। क्वाड्रेटा का डिवीजन याद करो, फाइलम क्वाड्रेटा को कितने
कितने इसमें डिवाइड किया था? थ्री. पहला बोलो आवाज निकालो यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो कहाँ तक कहाँ से कहाँ तक होती है? टेल टेल का कौन से स्टेज में? लार्वल स्टेज. ओनली लार्वल स्टेज. सिफेलोकॉर्डेटा में हेड एंड परसिस्ट थ्रूआउट देयर लाइफ. एंड वर्टिब्रेटा में मॉडिफाइड बॉडी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम. दस वी कैन से दैट ऑल वर्टिब्रेट्स आर क्वाड्रेट्स बट ऑल क्वाड्रेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. ठीक है, उसमें सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल पढ़ा था. बोलो क्या था? एम्फियोक्सिस. ठीक है, सो जो एम्फियोक्सिस है, एम्फियोक्सिस में क्या पाए जाते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया, जो तुम्हारे बुक में दिया होगा. ठीक है, सो एम्फियोक्सिस क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल है. ठीक है, सो एम्फियोक्सिस में क्या पाया जाता है? प्रोटोनेफ्रिडिया, याद रखना. इसके बाद में आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं? मालपिजियन ट्यूब्यूल्स. ठीक है, और इसके बाद में मोलस्का में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. इकाइनोडर्म्स एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? कौन से ग्लैंड होते हैं? इकाइनोडर्मेटा में कौन से? एंटेनल ग्लैंड. एंटेनल ग्लैंड किसमें होते हैं? बुक में पढ़ो पहले. प्रॉन्स. प्रॉन्स किसका एग्जांपल हो जाएगा? इकाइनोडर्म्स. फिर आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा देखो प्रॉन क्या होता है? क्रस्टेशियन एनिमल है. क्रस्टेशियन किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कैल्शियम, जो कि हार्ड मतलब कवरिंग जिनके ऊपर प्रेजेंट होता है. ठीक है, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, जैसे कि लॉबस्टर्स, प्रॉन्स, क्रैब. क्रैब ये क्या है? क्रस्टेशियंस है, वो क्रस्टेशियन बोलते हैं. तो एग्जांपल क्या है? प्रॉन्स. प्रॉन्स में क्या होते हैं? ग्रीन ग्लैंड्स. और एंटेनल ग्लैंड. ठीक है, सो एम्फियोक्सिस में क्या होते हैं? बोलो. एम्फियोक्सिस क्या है? किसका एग्जांपल है? सिफेलोकॉर्डेट. उसके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है? प्रोटोनेफ्रिडिया. बाकी तुमको सब पता है. ठीक है, इसमें प्रॉन्स. प्रॉन्स बोले तो क्या, किसका किसका एग्जांपल में आता है? ये आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा में भी अगर सब क्लासेस देखे तो फिर क्या आ जाएगा? सब क्लास उसका क्रस्टेशियन. ठीक है, तो क्रस्टेशियंस इसमें क्या होते हैं? ग्रीन ग्लैंड्स या फिर एंटीनल ग्लैंड्स. ये किस काम में हेल्प करते हैं? एक्सक्रीशन में. फिर हाँ, इकाइनोडर्म्स. इकाइनोडर्म्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. और हेमिकॉर्डेटा में प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं, पहले ही बताओ. प्रेजेंट होते हैं. नाम? प्रोबोसिस. कौन सा? प्रोबोसिस ग्लैंड. ठीक है, उसका एग्जांपल क्या क्या है? बैलेनोब्लास्टस. गुड, मतलब रिवीजन का कुछ तो फायदा हो रहा है. चलो ठीक है, ये पार्ट समझ में आया सबको? Yes. बताओ प्रोटोनेफ्रिडिया किसमें प्रेजेंट रहते हैं? एम्फियोक्सिस. और फ्लेम सेल्स किसमें? ग्लैटीएल्मिंथस. ठीक है, एक्सक्रीटरी ट्यूब किसमें प्रेजेंट रहेंगे? एस्केल्मिंथस. नेफ्रिडिया किसमें? एनेलिड्स. और मालपिजियन बॉडी या मालपिजियन ट्यूब्यूल्स किसमें? आर्थ्रोपोड्स. ठीक है, समझ में आया. और प्रॉन में क्या होता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर? ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड. समझ में आया यहाँ तक के? एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? सॉरी, नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी में किन
किन दो कॉजेस की वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी में? मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड एक्सेस इंजेशन। इसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में वो एलिमिनेट करने के लिए क्या बना है हमारी बॉडी ने? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कितने टाइप के हमने देखा क्लासिफिकेशन तीन। पहला अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक इट इज द हाईली टॉक्सिक। ठीक है, हाईली टॉक्सिक होने की वजह से रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक कैसे होता है? मॉडरेटली टॉक्सिक। ह्यूमंस क्या है? यूरियोटेलिक है। ठीक है, ह्यूमंस में अमोनिया फॉर्म होता है? ह्यूमंस में अमोनिया एब्सेंट होता है? ट्रू और फॉल्स? ह्यूमन में अमोनिया प्रेजेंट होता है? ह्यूमन अमोनिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं? ह्यूमन कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया इन लिवर। इन लिवर, इन लिवर। अब ट्रू है क्या? ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा? एनिमल किंगडम के अंदर जो डिफरेंट फाइलम्स हैं उनमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, सो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? ग्लैडियल मेंडस। प्रोटोनेफ्रिडिया, ये एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तुमको पूछ लेगा प्रोटोनेफ्रिडिया किस किस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन में देगा यूरोटेलिक, सॉरी यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ऑल ऑफ दिस। सिफेलोकॉर्डेटा लगेगा कहां से क्वेश्चन पूछा है? एनिमल किंगडम से, लेकिन उसका रेफरेंस कहां है? इसीलिए ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी तुम्हारा मतलब हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्सक्रीटरी ट्यूब्स एस्केल्मिंडस, उसके बाद में नेफ्रिडिया, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड में मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, उसके बाद में प्रॉन्स। प्रॉन्स क्या? क्रस्टेशियन। ठीक है, उनमें क्या होते हैं? ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड। समझ में आया तक के? याद आया सबको? अब देखो, अब क्या देखना है बोलो? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बता, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ नंबर एक पेयर ऑफ किडनी, इसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर, उसके बाद सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद यूरेथ्रा। कैसे होता है? सिंगल यूरेथ्रा। इतना सबको समझ में आया? बोलो। यहां तक समझ में आया सबको? फिर किडनी का पोजीशन बताओ। पहले किडनी कैसे होते हैं उसको मैंने बताया था, लीन शेप। कैसे? लीन शेप, शेप सिचुएटेड ऑन प्रोस्टेट, इसके साइड में, तो आइदर साइड ऑफ दो होते हैं ना, तो कैसे बोलेंगे? आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, लोकेशन का रेफरेंस कहां से देंगे? फ्रॉम T12 to L3। तो शेप क्या है? किडनी शेप। किडनी शेप, वाह क्या बीन शेप, मतलब यू आर राइट। कैसे होता है? बीन शेप। तो बीन किस शेप में बोलेंगे? किडनी शेप। ठीक है, किडनी का शेप क्या होता है? बीन शेप। उसके बाद लोकेशन, पहले तो क्या लिखेंगे? ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम T12 to
देन इसको पढ़ेंगे कैसे, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रेट टू थर्ड लंबर वर्टिब्रेट। समझ में आया? इसके बाद में इसके डायमेंशन देखा था, बोलो लेंथ कितनी थी 10 to 12 सेंटीमीटर, फिर विड्थ कितना था 5 to 7 सेंटीमीटर और थिकनेस कितनी थी 2 to 3 सेंटीमीटर। ये याद रखना, डायमेंशन पर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। हाँ, फिर किडनी का शेप कैसा है, बीन शेप। तो इसके सेंटर में जो नॉच है इसको क्या बोलते हैं, नॉच क्या बोलते हैं इसको, हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। फिर इसी हाइलम से क्या निकलता है, वो एंटर हो रहे। मैंने पूछा क्या बाहर निकल रहा है, रेनल वेन और किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन के हवा से पहुंच जाएगा, तो फिर यूरेटर। कौन यूटेरस बोला, एंटर क्या करेंगे, रेनल आर्टरी और एग्जिट रेनल वेन्स। और सिर्फ रेनल आर्टरी एंटर करेगी क्या, फिर दिमाग लगाओ कुछ और जा सकता है क्या, रेनल वेन उसी में ब्लड लेके जा रही है उसी के अंदर से, तो ऐसे मतलब ऐसे एग्जिट होकर वैसे ही घूमकर वापस आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, रेनल वेन किस में जाके मिलेगी अल्टीमेटली, हार्ट। यू आर आल्सो राइट, बट उससे पहले कहीं तो जाएगी ना, एट्री। इसमें इंपीरियर वेना कावा, और फिर इंपीरियर वेना कावा राइट एट्री। और क्या जा सकता है, हाइलम से आर्टरीज एंटर कर रहे हैं, हाइलम से एग्जिट यूरेटर एंड लिंफ, हाँ यूरिनरी वेन। क्या बोलेंगे, रेनल वेन, ठीक है। तो रेनल वेन वहां से एग्जिट कर रहे हैं, और एक और कंपोनेंट है जो उसमें एंटर करता है, लिंफ वेसल्स। रेनल आर्टरी तो ऑलरेडी है ना, गए रेनल आर्टरी दिख नहीं रहा पीछे से गए। अच्छा, रेनल आर्टरी किसका ब्रांच रहेगा, आयोटा। आयोटा में भी कौन सा आयोटा, जो एब्डोमिन में रहेगा, तो फिर एब्डोमिनल आयोटा, उसी का एक ब्रांच जाएगा किसमें, किडनी में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेनल आर्टरी। फिर वही उसका फर्दर डिवीजन होते 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 आर्टेरियोल वेनियोल, फिर उससे क्या बनेगा, वेन। फिर वेन किससे एग्जिट होगा, किडनी के हाइलम से, फिर वो अल्टीमेटली किसे जाके मिलेगा, आईवीसी, फिर हार्ट, फिर वो साइकिल चलते रहेगा, ठीक है। किडनी का काम क्या है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, वेस्ट ब्लड को एक्सक्रीट करना, ठीक है। हाइलम से एक और कंपोनेंट उसमें एंटर, हार्मोन्स के लिए वो लिंक, हाँ ठीक है। मैं चाहता हूँ तुम लोग कंसेप्ट, तुम कंसेप्चुअल जाओ, इसने बोला हार्मोन। हार्मोन्स किससे सिक्रीट करते हैं, कौन सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, तूने खुद ने बोला डक्टलेस ग्लैंड। जब दे आर डक्टलेस ग्लैंड, तो हाउ कैन अ हार्मोन कैन बी, मतलब उसमें सिक्रीट होगा किडनी के अंदर जाएगा थ्रू अ डक्ट। हार्मोन्स डायरेक्टली सिक्रीटेड इनटू ब्लड, तुम खुद पढ़ते हो लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि अभी तक किसी रट्टा मार। बोलो क्या जाएगा हाइलम से, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाना, आंसर आंसर फास्ट। इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो जाएगा, नर्व्स क्या जाएंगे, नर्व्स। इसको सिग्नल कौन देगा, नर्व, न्यूरल सिग्नल। yes. हमारे बॉडी का सीपीयू कौन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नर्व।
ब्रेन क्या है? ब्रेन है ना. सो ब्रेन विल कंट्रोल ऑल ऑफ द ऑर्गन्स. यस. सो हाउ इट विल कंट्रोल द किडनी? विद नर्व्स. थ्रू न्यूरल सिग्नल्स, न्यूरल पाथवेज. एंड न्यूरल पाथवेज आर कंपोज्ड कंसिस्ट ऑफ नर्व्स ना. तो यहाँ पे क्या जाएगा? नर्व्स भी एंटर हो गए. समझ में आया? ठीक है चलो. फिर हाइलम, हाइलम में से एग्जिट क्या करता है? रिनल वेन एंड यूरेटर. और एंटर क्या करेगा? रिनल आर्टरी एंड नर्व्स. समझ में आया? अब देखते हैं किडनी को थोड़ा डिटेल में. ठीक है. एलएस ऑफ किडनी बाहर, इसका जो आउटर लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? अरे आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? रेनल कैप्सूल. क्या बोलते कैप्सूल ना? किडनी का कैप्सूल रेनल कैप्सूल. समझ में आया इतना? फिर अब हमने इसको LS लिया. क्या लिया? LS मतलब लैटरल. TS क्यों नहीं लिया? ये TS लेते तो कैसे कैसे दिखता हो? सिर्फ ऊपर का दिखता है. ऐसे कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? समझ में आया इतना? फिर LS लिया हमने किडनी का. फिर इसमें जो पोर्शन दिखा उसको कितने इसमें डिवाइड किया हमने? दो. आउटर वन इज कॉर्टेक्स एंड इनर वन इज मेड्यूला. इसमें एक कॉनिकल या पिरामिडल शेप प्रोजेक्शंस है, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो. मेड्यूलरी पिरामिड्स या फिर रेनल पिरामिड्स. ठीक है. सो मेड्यूलरी पिरामिड्स तरीके से होते हैं. कभी खाए हो क्या किडनी? इतने पैसे नहीं. अच्छा, अरे वो चिकन. अच्छा, आईफोन है किसी के पास? नहीं. ठीक है. तो जो मेडुला है चिकन का मटन क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं. इधर देखो अभी. सो जो मेडुला होता है, मेडुला इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. मेडुला इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज कॉर्टेक्स. मेडुला इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. लैटरल सेक्शन ऑफ जो किडनी है, इसको हमने दो इसमें डिवाइड किया. आउटर पोर्शन इज कॉर्टेक्स एंड इनर पोर्शन इज मेडुला. मेडुला में कॉनिकल प्रोजेक्शन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड. ठीक है. अब कॉर्टेक्स एक्सटेंड इनटू द मेडुला थ्रू दीज टू मेडुलरी पिरामिड्स. समझ में आया? कॉर्टेक्स एक्सटेंड इनटू मेडुला. ये देखो थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टिनी. तो ये क्या हो जाएगा? कॉलम ऑफ बर्टिनी. ठीक है. फिर रेनल जो पिरामिड है, इट दे ओपन्स इनटू कैलाइसिस, इसको हम क्या बोलते हैं? जो बाहर वाला पोर्शन रहेगा, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलेंगे? माइनर कैलेक्स, थोड़ा अंदर के साइड में. फिर ये वाला मेजर कैलेक्स. फिर रेनल क्या बोलेंगे? रेनल पेल्विस. और देन इट विल ओपन इनटू यूरेटर. तो पाथवेज कैसे है देखो?
ये यहाँ पर जो रिनल पिरामिड है उसी में क्या रहेगा, नेफ्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ से आर्टरीज जाएगी, उसका फर्दर फर्दर डिवीजन होगा तो इसमें पूरा स्प्रेड आउट हो जाएगी, फिर रिनल जो रिनल पिरामिड उसमें क्या रहेंगे, नेफ्रॉन, फिर वहां से जो यूरिन बनने का प्रोसेस है, तीन स्टेप्स है ना, पहला वाला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहला वाला क्या है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन, वो थर्ड है क्या पक्का? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, वो सारा प्रोसेस होगा। फिर यहाँ से बताता हूँ जेजी क्या रुक जा इधर देखो, अभी इसमें देखेंगे हम, समझ लो एक नेफ्रॉन है, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं टोटल? नियर अबाउट 1 to 2 million, दो मतलब टोटल 1 million, ठीक है, समझ में आया। अब यहां से क्या होगा, रिनल आर्टरी, उसके फाइन ब्रांचेस होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, और फिर वो समझ लो अब सिर्फ ध्यान ही जाएगा, ठीक है, पूरे किडनी में हम समझने के लिए एक पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, ग्रीन है, ठीक है। अब फिर अल्टीमेटली यहां पर किस मतलब जो वोमेंस कैप्सूल के पास में जो आर्टरी जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, आ रही है एफेरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, एफेरेंट आर्टेरियोल, फिर बाद में एफेरेंट आर्टेरियोल यहां पर क्या बनेगा, मालपीजियन बॉडी, इसमें क्या होगा प्रोसेस होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, जीएफआर 125 ml 180 liter हो रहा है, तो फिर वो कंटिन्यूअसली यहां से जब पास होगा तो क्या होगा, उसमें दो स्टेप हो गए, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, फिर कलेक्टिंग डक्ट, फिर बहुत सारे नेफ्रॉन, अभी बहुत सारे नेफ्रॉन का मिलकर एक कलेक्टिंग डक्ट बनता है, तो ऐसे सारे करके कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू क्या होगा, यूरिन जो बनेगा वैसे कलेक्ट होता जाएगा, इधर से ऐसे आता जाएगा, फिर इधर से ऐसे आएगा, इधर से ऐसे आएगा, इधर से ऐसे आएगा, और फिर बाद में किसके थ्रू जाएगा, यूरेटर के थ्रू, किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर होगा, ठीक है। फिर बाद में जब न्यूरल पाथवे इनिशिएट होगा, जब ब्लैडर फुल होगा, उसके जो रिसेप्टर है वो स्ट्रेच आउट होंगे, तो फिर वही सेंसरी नर्व्स लेके जाएगी ब्रेन के पास में, ब्रेन से मोटर सिग्नल आएंगे, स्पिंचर को रिलीज करेंगे, और मैच्योरेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं, ठीक है, मैच्योरेटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, पढ़ाया था ना, पढ़ेगा आगे डबल से पढ़ाऊंगा इन शॉर्ट, लेकिन डिटेल में जा सकते टाइम का। फिर बाद में जो इफरेंट आर्टेरियोल है, इफरेंट आर्टेरियोल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से एक वासा रेक्टा वगैरह बनेगा, फिर बाद में अल्टीमेटली किसमें जाएंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वेनियोल्स, ठीक है, फिर वेनियोल्स से सारे ब्रांच होंगे किसमें, अल्टीमेटली रिनल वेन, रिनल वेन फिर एग्जिट आउट होगी यहां से, और रिनल वेन किसमें जाके मिलेगी, अरे सही बोल रहा हूँ, ऐसे ही होता है, बोलो, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, आगे पढ़ा, इतना समझ में आया, ठीक है, वो भूल जाओ, वेन वेनियोल्स रिनल वेन भूल जाओ, इतना समझ में आया सबको, ठीक है। फिर बाद में अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन है ना, ठीक है, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने देखा था, नेफ्रॉन को कितने इसमें डिवाइड किया है, दो, इसमें देखो नेफ्रॉन इधर, नेफ्रॉन को कितने पोर्शन में डिवाइड किया है, दो, एक वोमेंस कैप्सूल और रेनल ट्यूब्यूल,
सही है नेफ्रॉन नेफ्रॉन कितने इसमें डिवाइड किया है दो इसमें पहला वोमेंस कैप्सूल फिर क्या फिर वोमेंस कैप्सूल क्या आएगा मालपीजन बॉडी में हाँ पार्ट है उसका मालपीजन बॉडी का मालफीजन बॉडी का पार्ट है वोमेंस कैप्सूल नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू कौन सा ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल रेनल ट्यूब्यूल में क्या आता है वोमेंस कैप्सूल पीसीटी लुपोफेनले जीसीटी कलेक्टिंग डक्ट पक्का ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन्स कैप्सूल इट इज कॉल्ड एज मालपीजन बॉडी गुड सॉरी मैं भूल गया ठीक है तो क्या आ जाएगा ग्लोमेरुलस प्लस रेनल What is glomerulus? It is a tuft of capillaries. ठीक है गुच्छा जिसको हम बोलेंगे So it is composed of बोलो afferent and efferent arterio. Tuft of capillaries है ना फिर renal tubule में क्या आता है Bowman's capsule. के बाद पीसीटी लूप ऑफ हेनले डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं याद रखना है देखो कंफ्यूजन होता है इसके ग्लोमेरुलस प्लस प्लस वुमेन्स कैप्सूल इट इज कॉल्ड एज समझ में आया इतना याद है सबको अब देखो तो ये क्या हो जाएगा ठीक है मतलब कुछ तो ऐसे समझ में आ रहा है क्या ये ग्लोमेरुलस इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कंसिस्ट ऑफ ये जो लेकर आ रहा है वो एफरेंट जो बाहर लेके जाएगा इसका डायमीटर ज्यादा बड़ा होता है एफरेंट का और इसका कम होता है इसीलिए प्रेशर अंडर सॉरी फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा ना ये क्या हो जाएगा वुमेन्स कैप्सूल यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे पोडोसाइट इस पूरे को हम क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे मालपीजियन बॉडी समझ में आया देखो अभी पूरा का पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये क्या है ग्लोमेरुलस उसके बाद ये क्या है वुमेन्स कैप्सूल ठीक है अब इसके क्लोज में जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल मतलब क्लोज डिस्टल मतलब दूर तो इससे जो दूर वाला कॉन्वुलेटेड कॉन्वुलेटेड यानी पॉइंट
प्रॉक्सिमल, इसके क्लोज में जो कॉइल ट्यूब है उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद में क्या होता, क्या आता है? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। इसमें थिन एंड थिक सेगमेंट किसमें आता है? तो इसमें थिन सेगमेंट कौन किसका होता है? असेंडिंग लिंब में दो सेगमेंट होते हैं, थिन सेगमेंट एक, थिक सेगमेंट, ठीक है। लूप ऑफ हेनले का शेप क्या होता है? यू शेप। बुक में क्या दिया हुआ? क्या है? हेयर पिन। लड़कों को नहीं पता, लड़के को पता होगा, बालों में जो पिन लगाते हैं, तुमने देखा किसी मूवी में कोई ऐसे उसको ताला तोड़ने का से निकालते हो? कुछ भी वर्क कर, ठीक है। तो वो शेप कैसे होता है? हेयर का पिन का शेप जैसे होता है, लूप ऑफ हेनले जैसा। सो हेयर पिन शेप लूप ऑफ हेनले, फिर इससे जो दूर है किसको, उसको क्या बोलेंगे? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड मींस कॉइल। अब नामकरण करो सबका, ये क्या है? ये क्या है? दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ट्यूब्यूल, है ना? ये क्या है? पीसीटी। बोलो पीसीटी। पीसीटी मींस प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सर वहां पे आपने मॉलिक्यूलर ट्यूब्यूल लिखा है, मॉलिक्यूलर बॉडी। ये क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें कितने पोर्ट, लूप ऑफ हेनले में कितने पोर्शन हो जाएंगे? दो। एक डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, पूरा मिला के लूप ऑफ हेनले। शेप क्या है? हेयर पिन शेप। तो ये क्या हो जाएगा? लूप ऑफ और ये क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे इसको? डी सी टी। ठीक है। फिर ईच नेफ्रॉन, सॉरी ईच डीसीटी ऑफ सिंगल नेफ्रॉन ओपन्स इनटू सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, ट्रू और फॉल्स? Each DCT of a nephron opens into DCT. Oh, sorry, single collecting duct CD. True. हर nephron के पास अपना अपना collecting duct होता है. True. True. क्या है? बहुत सारे nephron के collecting duct, इधर से कोई दूसरा आएगा, इधर से कोई दूसरा आएगा, इधर से कोई टेढ़ा आड़ा टेढ़ा होगा, वो सबके सबके डीसीटी किसी एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होगी। क्या सही? डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन्स इनटू सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, ये ट्रू है? या फिर ईच डीसीटी ऑफ सिंगल नेफ्रॉन ओपन्स इनटू सिंगल कलेक्टिंग डक्ट? Thank you.
बुक में देखो क्या है, कितने को ट्रू लग रहा है ये स्टेटमेंट, डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। देखो क्या क्या स्टेटमेंट आएगा, डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, दिस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके बाद नेफ्रॉन के दो टाइप देखे थे, सुनो अभी, बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। ये सारे के सारे कहां पर होते हैं, कौन से पोर्शन में होते हैं, कॉर्टेक्स या मेडुला, कॉर्टेक्स। ठीक है, लूप ऑफ हेनले किधर जाता है, मेडुला। अब ऐसे नेफ्रॉन्स जिसमें जो लूप ऑफ हेनले वेरी लिटिल गोज इनटू द मेडुला, ऐसे नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जहां पर लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा डीप जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो कितने टाइप के नेफ्रॉन हो गए, दो टाइप के, पहला कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब इनमें से मेजोरिटी किसकी होती है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन या फिर जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, कॉर्टिकल। कितना बार लगता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, गुड। ठीक है, सो दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल, दूसरा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। समझ में आया, अब देखो अब इफ्रंट आर्टेरियोल से, कहां से, इफ्रंट आर्टेरियोल से कैपिलरी निकलती है जो कि नेफ्रॉन को ऐसे सराउंड करती है। ठीक है, देखो इधर जो इफ्रंट आर्टेरियोल से एक कैपिलरीज का नेटवर्क निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैंने क्या पूछा, इफ्रंट आर्टेरियोल से जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, उस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की एक ब्रांच लूप ऑफ हेनले के पैरेलल जाती है, वो भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उस असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले के पैरेलल क्या जाएगा, डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टम। समझ में आया, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का एक ब्रांच जो के लूप ऑफ हेनले के पैरेलल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टम। अब ये वासा रेक्टा में प्रेजेंट सबसे ज्यादा में रहेगा, एब्सेंट रहेगा, क्या मतलब, मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन विल हैव वासा रेक्टा और मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन विल नॉट हैव वासा रेक्टा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, दे विल हैव वासा, विल हैव वासा, दे विल हैव। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन कौन से टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। बुक में स्टेटमेंट क्या है, वासा रेक्टा इज रिड्यूस्ड और हाईली एब्सेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन या फिर जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मतलब कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा क्या होता है, इट इज आइदर रिड्यूस्ड या फिर आइदर एब्सेंट। सो मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन कौन से होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। सो वासा रेक्टा विल प्रेजेंट ऑन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन या एब्सेंट रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन कंसेप्ट याद रखने के लिए, समझ में आया।
वसा रेक्टा किसकी ब्रांच है? पेरिटिब्युलर कैपिलरी। और वो किसकी ब्रांच है? इफ्रंट आर्टरी। ठीक है, अब डीसीटी डीसीटी एंड एफरेंट, देखो यहां से जो निकलेगा इसके क्लोज जंक्शन के बीच में जो सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जेजीए, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो जेजीए किसके इसके बीच का मॉडिफिकेशन है ये तो याद हो जाता है कि डीसीटी के पास में। अब इसमें कंफ्यूजन होता है, सो कोई एक चीज याद रख लो दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। वासरेक्टा याद रखने में इजी होता है बिकॉज इफ्रंट वो एग्जिट कर रहा है, उस एग्जिट करते टाइम पर उसका कोई दूसरा ब्रांच आ रहा है ना, तो एग्जिट कौन सा करता है? इफ्रंट आर्टेरियल। उससे क्या बन रहा है? पेरिटिबुलर कैपिलरीज। उसमें से जो पैरेलल जा रहा है वो क्या है? वासरेक्टा। समझ में आया? तो वासरेक्टा किससे रिलेट करोगे? इफ्रंट आर्टेरियल। जेजीए जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है इट इज द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन बिटवीन डीसीटी एंड एफरेंट आर्टेरियोल। याद रखना है, क्वेश्चन आता है तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या हो जाएगा? अरे जे जी ए जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। समझ में आया तक के? समझ में आया, याद है सबको? ठीक है, बढ़ो आगे। फिर इसके बाद में यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन में स्टेप्स कितने होते हैं? तीन। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इधर ध्यान दो। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है बेसिकली? देखो इधर, ये तुम्हारा क्या है? वोमेंस कैप्सूल। ये क्या हो जाएगा? ये एफरेंट, ये इफरेंट। सर वो अल्ट्रा है। इधर देखो, सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है? एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है, ठीक है, इफरेंट से जा रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, ठीक है, और इस प्रेशर ग्रेडियंट और पोर स्लिट्स, क्या पोर स्लिट्स, इसकी वजह से क्या होता है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कितने मेम्ब्रेन्स के थ्रू होता है? तीन मेम्ब्रेन्स। देखो ब्लड कैपिलरीज में क्या रहेगा हमेशा? एंडोथेलियम। तो पहली लेयर कौन सी हो जाएगी? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इसका क्या आएगा? एपिथेलियम। एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल। एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल पे कौन से सेल्स होते हैं? पोडोसाइट्स। उनपे क्या होते हैं? पैर होते हैं उनके पास में, तो उसके लिए उनको क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स। ऐसे कुछ सेल्स होते हैं यहाँ पर जो अरेन्ज होते हैं। ये क्या है? पोडोसाइट्स। तो ये तीन जो मेम्ब्रेन है, थ्री मेम्ब्रेन, पहला मेम्ब्रेन कौन सा है? एंडोथेलियम। ठीक है, दूसरा, हाँ इनके बीच में क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो दूसरा क्या आ जाएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरा बोलो? पोडोसाइट्स। अरे एपिथेलियम ऑफ
वुमेन्स कैप्सूल यहाँ पर सेल्स कौन से होते हैं? So, अब इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि कुछ पोर्स बनते हैं, ठीक है? तो इस पोर्स लिड्स या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है, कौन से कंपोनेंट ऑफ ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है? ब्लड के कितने कंपोनेंट है? दो, एक प्लाज्मा और दूसरा बॉन्ड एलिमेंट। प्लाज्मा कितने परसेंट? 55। बॉन्ड एलिमेंट 45। तो किसका? प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होगा। प्लाज्मा का जो कंस्टिट्यूएंट है वो इसमें फिल्टर आउट होगा या बॉन्ड एलिमेंट का? प्लाज्मा का। सो क्या होता है जब ये फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस में, ठीक है? उसमें तीन मेम्ब्रेन है, उसके जैसे पोर स्लिट्स हो रहे हैं, उसके जैसे जो किसका कंटेंट ब्लड में से किसका प्लाज्मा का जितना कम कंटेंट है वो पूरा का पूरा किस में आ रहा है? इधर बोमन्स कैप्सूल की कैविटी में, एक्सेप्ट प्रोटीन्स जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो छोड़ के जितना भी कंटेंट है ऑलमोस्ट सारा का सारा कंटेंट फिल्टर आउट होता है किसके अंदर? बोमन्स कैप्सूल। इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो एक्सेप्ट प्रोटीन्स और कंटेंट ऑफ प्लाज्मा फिल्टर आउट, इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखो दो टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है? पहला क्या है? एक है GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इधर ऊपर देखो सबके साथ ऊपर, ठीक है? सो व्हाट इज GFR? पहला डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड By किडनी पर मिनट, पहला हो गया। दूसरा है अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, क्या? फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी। दो डेफिनेशन है। पहला क्या है, किसी को कितनों को लग रहा है कि दोनों सेम है? पहली बार सेकेंड क्या थी? सेकेंड रिपीट पता ही। सो पहला क्या है के हिंदी में, व्हाट इज GFR? अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट इज GFR और अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट इज GFR। सेकंड क्यों? पहला क्यों? पहले और दूसरे में फर्क क्या है पहले इतना बताओ, क्या है? दो स्टेटमेंट, अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी, ये क्या हो रहा है हिंदी में से तो क्या समझ रहा? मराठी मराठी में बोला तो भी सब चलेगा, ठीक है? जय माना। और अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट, दोनों स्टेटमेंट का मतलब पता है वो क्या राइट है क्या गलत है? अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी, अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी। ठीक है, सो देखो GFR क्या हो जाएगा पहले ही बताओ। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट इज कॉल्ड एज GFR। फिल्ट्रेट मतलब बेसिकली वो क्या है? रॉ यूरिन बोल सकते हो उसको,
अभी उसका प्रोसेस में जाएगा ना, उसी से क्या बनेगा? यूरिन। यूरिन बनेगा क्या? कहीं और से कुछ दूसरा इधर घुसता है? पक्का? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? पूछना पड़ता ना तुम लोगों से। समझ में आया? सो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी, इसको हम क्या बोलते हैं? GFR, हमेशा याद रखना, ठीक है? सो व्हाट इज GFR? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, क्या? फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी, फॉर्म्ड बाय पर मिनट। कितना होता है GFR? 125 ml पर मिनट, और पर डे 180 लीटर पर डे। सो देखा जाए तो कितना यूरिन बनना चाहिए था? 180 लीटर, ठीक है? लेकिन इतना यूरिन बनता है क्या? इतना यूरिन तुम एक्सक्रीट करते हो क्या 180 लीटर दिन का? पूरा दिन वही करते हैं, ठीक है? सो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो फिल्ट्रेट बन रहा है वो रीएब्जॉर्ब हो रहा है। समझ में आया सर? फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब मुझे बता रहा हूँ ना, उस पे भी आ रहा हूँ, ठीक है? अब देखो जो पहला स्टेटमेंट बोला कि अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड पर मिनट, पर मिनट मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में कितना ब्लड होता है, हमारे बॉडी में टोटल ब्लड कितना होता है, कितने लीटर होता है? 5.5 लीटर। उसमें से किडनी में जाकर कितना फिल्टर हो रहा है पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी, और वो होता है कितना होता है? 1100 टू 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी। समझ में आया कितना? 1100 टू 1200 ml of blood filtered by kidney. तो टोटल ब्लड का कितना? 150। कितना? 150। तो टोटल ब्लड का कितना अमाउंट हर मिनट में हमारे बॉडी में कितना अमाउंट मतलब टोटल ब्लड का फिल्टर होते जा रहता है? 1/5। सो 1/5 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/5 ऑफ फिल्टर्ड बाय किडनी। समझ में आया? कितना समझ में आया? फिर JGA, JGA क्या है? बोलो व्हाट इज JGA? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इट इज द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन बिटवीन एफरेंट आर्टेरियोल एंड PCT। JGA secretes JGA क्या? अरे JGA क्या secrete करता है? क्या secrete करता है JGA? क्या secrete करता है? Renin। क्या? Renin। RENNIN वाला Renin या RENIN वाला Renin? RENNIN वाला Renin का पड़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गधो कहाँ पढ़ा है? अच्छा कितनों को लग रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? कौन से किंगडम में पढ़ा? आपने मेंशन किया था उस लेक्चर में। देन मतलब अपने को ना जाकर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बनाना पड़ेगा। This kingdom classification was given by great Dharmaraj sir in
2024. अच्छा ठीक है. फाइव मीटर क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कौन बोला? ठीक है इधर. अरे बस इधर ध्यान दो अभी. तो जे जी ए किसके बीच में बोलो? एफेरेंट आर्टेरियोल प्लस बीसीटी एट द पॉइंट ऑफ देयर कॉन्टैक्ट. एट द पॉइंट ऑफ देयर कॉन्टैक्ट इसको हम क्या बोलते हैं? जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस. जे जी ए क्या होता है? एफरेंट एंड एफरेंट आर्टेरियल एंड डीसीटी के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे इसको हम क्या बोल रहे हैं? जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस. इट सीक्रीट्स क्या? रेनिन. ये रेनिन कहां पे काम में आता है? कहां पे? लैक्टोज है ना. फिर वो आर्टरी का वो आर्टरी का वो क्या वो ब्लड कम ज्यादा करने में कुछ तो कौन सा मैकेनिज्म? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. कौन सा चैप्टर पढ़ा था? एक्सक्रीशन. पक्का? रेगुलेशन ऑफ इंडिया. ठीक है अब देखो दूसरा क्या है. दूसरा दूसरा स्टेप क्या है? सिलेक्टिव रीऑर्गनाइजेशन. देखो इधर सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. अब इसमें क्या होगा? टोटल अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म कितना है? 180 लीटर. अमाउंट ऑफ ब्लड अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म कितना है? 1.5 लीटर. तो मतलब कितने परसेंट जो फिल्ट्रेट है वो कितना परसेंट एब्जॉर्ब होगा? 99% ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म इज गेट एब्जॉर्ब. कहां पर? इन सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. नेफ्रॉन के किस पार्ट में ये सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होगा? रेनल ट्यूब्यूल्स. रेनल ट्यूब्यूल्स में भी कहां कहां? पीसीटी लुपाफेले डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट इसमें रीअब्सॉर्प्शन होता है क्या? कितनों को लगता है कि रीअब्सॉर्प्शन होता है? कलेक्टिंग डक्ट के दो मेन फंक्शन है. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम कलेक्टिंग डक. ठीक है और दूसरा क्या है? जो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया वो पास करते कहां पर? मेडुलरी में मेडुला में टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी. ऑस्मोलैरिटी का यूनिट क्या है? क्या क्या मिली ऑस्मोल पर मोल. अलग ही था. मिली ऑस्मोल पर लीटर ऐसे लिखते हैं ना. मिली ऑस्मोल पर लीटर ऐसी कुछ है. आया ना बोलो पक्का? सो देखो अभी इधर फटफट कितना 99% ऑफ फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब होता है. ठीक है ये सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कितने पाथवे से होगा? पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव. एक्टिव में एनर्जी लगेगी. एक्टिव में एटीपी कंजम्पशन होगा. पैसिव में नहीं होगा. एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्प्शन किस किस का होता है? ग्लूकोज. उसके बाद अमाइनो एसिड. उसके बाद
सोडियम आयन। पैसिव रिएब्जॉर्प्शन किस किस का? वाटर और कोई स्पेसिफिक आयन मेंशन है? H+ कौन सा? हाइड्रोजन या पोटेशियम? दोनों ठीक है, इसमें आ जाएगा अदर्स में। इसके बाद में ट्यूबुलर सिक्रीशन, उसमें रिनल ट्यूबुल सिक्रीट करेंगे ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रीशन और सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हमें फंक्शन ऑफ ट्यूबुल से काफी अच्छे समझ में आ जाता है ठीक है। तो फंक्शन ऑफ ट्यूबुल, सबसे पहले ट्यूबुल कौन सा है? पीसीटी। पीसीटी के जो एपिथेलियम होते हैं वहां पे जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं? क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब जैसे, अब देखो क्यूब जैसे है, इसकी वजह से जो एरिया रहेगा कैसे रहेगा? ज्यादा रहेगा ठीक है। तो अराउंड कितना? 70-80% एब्जॉर्प्शन अकर्स इन पीसीटी। कितना? 70-80% ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर्स इन पीसीटी ठीक है। इसके बाद में देखो एक चीज है जो सब में कॉमन है ठीक है, क्या है? पीएच एंड आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए एच प्लस पोटेशियम आयन, इसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा या सिक्रीशन होगा? कितनों को लग रहा है एब्जॉर्प्शन होगा? कितनों को लग रहा है सिक्रीशन होगा? क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ एच प्लस पोटेशियम आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन होता है ठीक है। तो ये जो कॉमन पॉइंट है सब में आ जाएगा ठीक है। सिक्रीशन ऑफ एच प्लस एंड पोटेशियम एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। पीसीटी के बाद देखो इधर लूप ऑफ हेनले, इधर जानता सबके सब, जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जाता है वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेट होता है या डाइल्यूट होता है? क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट। तो कॉन्सेंट्रेट होने के लिए अगर उसमें से किसी चीज में से पानी निकालते हैं, उसे पानी डालते हैं, निकालते हैं। सो जो डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो वाटर परमिएबल होना चाहिए या इम्परमिएबल? परमिएबल। अगर वाटर परमिएबल रहेगा तभी वाटर का मूवमेंट अलाउ करेगा। समझ में आया? सो डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हेंस एज द filtrate passes along the descending limb of loop of Henle, it is permeable to water and impermeable to electrolyte. The water moves out from descending limb into the medullary region or interstitial region and hence the filtrate will get concentrate. And as the filtrate moves upward into the ascending limb of loop of Henle, the permeability reverses.
इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्परमिएबल टू वॉटर. सो अभी क्या बाहर निकलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट को परमिएबल है ना. सो अब जब इसमें से इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल रहे हैं तो एज द फिल्ट्रेट मूव्स अपवर्ड इट विल गेट डाइल्यूटेड. एक चीज याद रखो, दूसरा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. सिर्फ एक चीज याद रखना है कि अगर वो जब नीचे जाएगा तो क्या होगा? वाटर परमिएबल होगा. ये याद रखो या फिर कॉन्सेंट्रेट होगा. समझ में आया? सो बस कितना लिख दू चलेगा? डिसेंडिंग लिम्ब वेव इज वाटर परमिएबल. बोलो क्या है? परमिएबल टू वाटर. परमिएबल ठीक है. एंड टू और इसी की वजह से क्या होता है? जब फिल्ट्रेट नीचे जाता है डिसेंडिंग लिम्ब में तो क्या होता है? फिल्ट्रेट गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड. और असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? डाइल्यूशन होता है. मतलब इट इज द परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट एंड परमिएबल टू वाटर. समझ में आया? आगे बढ़ू. अब देखो तीसरा है. तीसरा पोर्शन क्या जाएगा? डी सी टी. डी सी टी का काम है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन. अगर बॉडी को जरूरत है तो रीएब्जॉर्प्शन होता है. किस चीज का? सोडियम एंड वाटर. सो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर अकर्स एट डीसीटी और बाद में सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बायकार्बोनेट आयन. इसमें भी कॉमन रहेगा. समझ में? ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ. बोलो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ किस चीज का होगा? यहां पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन सोडियम एंड वाटर और बाकी का जो कॉमन ही है क्या है? बोलो. सिक्रीशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ एच प्लस एंड पोटेशियम आयन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बायकार्बोनेट आयन. चौथा क्या आ जाएगा? बोलो चौथा क्या जाएगा? कलेक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट मतलब सीडी. ठीक है. तो इसका क्या है? दो मेजर फंक्शन है. क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड देखो इधर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए कलेक्टिंग डक्ट जो होता है उसमें जब फिल्ट्रेट जाता है तो वो उसमें से फिल्ट्रेट में क्या रहेगा? यूरिया. तो
तो यूरिया को वो ट्रांसपोर्ट का मतलब इसमें भेज देता है वापस, इसमें इंटरस्टीशियम में या फिर मेडुला में, आसान भाषा में अगर समझने के चाहो तो. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टीशियम या मेडुलरी इंटरस्टीशियम टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी. ऑस्मोलैरिटी की वजह से ही तो एक्सचेंज होगा ना, इसी में प्रेशर सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इजी जाएगा. समझ में आया? सो ये याद रखना, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर डीसीटी 70-80% रीअब्सॉर्प्शन डीसीटी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम डीसीटी, डिसेंडिंग लिंब वाटर परमीएबल या फिर कॉन्सेंट्रेशन, असेंडिंग लिंब डाइल्यूशन. ठीक है, डीसीटी कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ये सब में कॉमन है, सिक्रीशन ऑफ एच प्लस एंड पोटेशियम आयन. समझ में आया? सो क्या आएगा यहाँ पर बोलो, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया सेंड बैक टू बोलो कहाँ पर, मेडुलरी इंटरस्टीशियम. समझ में आया? इसका पर्पस क्या है? टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी. समझ में आया? कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ, बताओ इधर ऊपर देखो सबके साथ, 70-80% ऑफ रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पीसीटी. ठीक है, डिसेंडिंग लिंब वाटर परमीएबल या फिर कॉन्सेंट्रेशन, असेंडिंग लिंब डाइल्यूशन या फिर वाटर इम्परमीएबल. कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर पीसीटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टिंग दैट. ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया सेंड बैक टू द मेडुलरी इंटरस्टीशियम थ्रू कलेक्टिंग डक्ट. वो किस लिए होता है? टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी. समझ में आया? फिर अभी देखो, इसका अभी जो कॉमन वाला आएगा, कॉमन फंक्शन क्या है सबके अंदर? सिक्रीशन ऑफ H प्लस एंड पोटेशियम आयन. इसमें बायकार्बोनेट आयन का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है. समझ में आया? अरे हाँ ना, तुम बोलो. यस. ठीक है, पढ़ाया था ये सब, याद है अभी? क्या क्या पढ़ा अभी तक बताओ जरा जल्दी जल्दी. ठीक है, हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बनने का कॉज क्या है? पहला मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर एक्सेसिफिकेशन. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं? अमोनिया, CO2, अदर नाइट्रोजनस वेस्ट. ठीक है, इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट कितने टाइप के हैं? क्लासिफिकेशन देखा हमने. पहला अमोनोटैलिक, देखे बोल रहे हो क्या ऊपर सबके साथ? ऊपर देखो, पहला अमोनोटैलिक, दूसरा यूरियोटैलिक, तीसरा यूरियोटैलिक. अमोनोटैलिक का एग्जांपल फिश, यूरियोटैलिक का एग्जांपल ह्यूमंस, यूरिकोटैलिक का एग्जांपल एज एंड बर्ड्स.
लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्स अमोनिया ठीक है. पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी ठीक है. ह्यूमंस में अमोनिया पाया जाता है ठीक है. ह्यूमंस अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं फॉल्स. अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिया. फिर हमने एनिमल किंगडम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स में डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स देखे. फ्लेम सेल्स उसके बाद में रेनल ट्यूब्यूल्स. रेनल ट्यूब्यूल्स कौन से फाइलम में? रेनल ट्यूब्यूल्स अरे कौन से फाइलम में? एस्केलमिंदस. एनिलिड्स में? नेफ्रिडिया. आर्थ्रोपोड्स में? मालपिजियन ट्यूब्यूल्स. एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मॉल्यूस्कंस. इकाइनोडर्म्स में? Absent. ठीक है. एंड हेमिकोडेटा में? प्रोबोसिस ग्लैंड. समझ में आया? इसके बाद ये बताओ क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स लॉबस्टर्स इनमें क्या होते हैं? एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स. फिर इसके बाद क्या देखा? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. Human excretory system is composed of pair of kidney, pair of ureter, single bladder, single urethra. ठीक है. A pair of kidney. Kidney का shape, location, either side of vertebral column from L3 या फिर last thoracic to third lumbar. किडनी का शेप बीन शेप. किडनी का शेप किडनी शेप नहीं हो सकता? हो सकता है. ठीक है. उसके सेंटर में एक नॉच होता है, उसको क्या बोलते हैं? आइलम. उसमें से क्या निकलता है? यूरेटर. क्या? यूटेरस. यूरेटर. समझ में आया? हाँ. इसके बाद में डायमेंशन बताओ. Length 10 to 12 cm, weight 5 to 7 cm, thickness 120 to 170 grams, outer covering renal capsule. LS में कितने में डिवाइड किया? दो. आउटर एनस मेडुला के अंदर मेडुलरी पिरामिड्स. ठीक है. मेडुला पर ईच किडनी में कितने नेफ्रॉन्स? 1 मिलियन. स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इज कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन. एक ग्लोमेरुलस, दूसरा ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कंपोज्ड ऑफ एफरेंट एंड डिफरेंट आर्टेरियोस. व्हिच आर द ब्रांच ऑफ एफरेंट आर्टेरियोस? इज अ ब्रांच ऑफ अरे एपरेंट आर्टेरियोल इज अ ब्रांच ऑफ आयोटा. आयोटा डायरेक्ट तेरी किडनी में घुसती है ना. रेनल आर्टरी. रेनल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ आयोटा, स्पेसिफिकली एब्डोमिनल आयोटा. हाँ डायरेक्ट. शकर के जगह गन्ना खाता है क्या तू? ठीक है. हाँ. इसके बाद में बताओ रिनल ट्यूब्यूल्स. बताओ रिनल ट्यूब्यूल्स कौन कौन से? पहला वोमन्स कैप्सूल. उसके एपिथेलियल पे जो सेल्स है? पोडोसाइट्स. वोमन्स कैप्सूल के बाद पीसीटी. पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल. उसके बाद शेप हेयर शेप. फिन सेगमेंट किस में आता है? असेंडिंग. असेंडिंग लिंब ऑफ लूंब ऑफ हेनले. उसके बाद डीसीटी. डीसीटी इज अ डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल. उसके बाद कलेक्टर. नेफ्रॉन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ लूप ऑफ हेनले. पहला
कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा जेफ्रा मेडुलर नेफ्रॉन, मेजर कौन से होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। वासर एक्ट इज अ ब्रांच ऑफ पेरिटुबुलर कैपिलरीज, पेरिटुबुलर इज अ ब्रांच ऑफ एफरेंट आर्टेरियो। सो वासर एक्ट इज अ ब्रांच ऑफ एफरेंट आर्टेरियो, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। वासर एक्ट रन्स पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले। उसके बाद क्या देखा? यूरिन फॉर्मेशन कितने स्टेप्स में होता है? तीन। पहला हाइड्रेशन, दूसरा सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, बोलो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन, पक्का हाँ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सो बोलो ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट। ये जो फिल्ट्रेशन होता है कितने लेयर से होता है? थ्री लेयर। पहला एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, दूसरा एपिथेलियम ऑफ कॉमेंस कैप्सूल, तीसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेम कहीं कुछ पढ़ा था? सेम तीन मेम्ब्रेन कहीं पढ़े थे? एल्वियोलाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो वहां पर कौन कौन से लेयर थे? एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर ब्लड वेसल, एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, और इनके बीच में बेसमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंस। और इसका टोटल थिकनेस कितना होता है? 1 mm, कितना? लेस देन 1 mm। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन ऑक्सीजन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। कितना? 22-25% नहीं, टाइम्स 22-25 times ज्यादा होता है, ठीक है। फिर टोटल बॉडी का कितना ब्लड पर मिनट किडनी में फिल्टर होता है? 1100 to 1200। टोटल ब्लड का कितना पोर्शन? 1/5 ऑफ टोटल ब्लड। समझ में आया? इसके बाद टोटल जीएफआर कितना है? 180 लीटर्स, ठीक है। लेकिन यूरिन फॉर्म कितना होता है? 1 to 1.5 liters। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? कितने परसेंट एब्जॉर्ब हो रहा है? 99% फिल्ट्रेट फॉर्म दे गेट एब्जॉर्ब थ्रू रेनल ट्यूब्यूल्स। फिर फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल देखा, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल बोलो। अरे फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल पीसीटी, पीसीटी के जो एपिथेलियम होते हैं कौन से होते हैं? क्यूबॉइड एपिथेलियम। कितने परसेंट? 70-80% एब्जॉर्प्शन नहीं हो जाता, रीअब्जॉर्प्शन। फिर लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग लेम वाटर परमिएबल, हेंस कॉन्सेंट्रेशन। असेंडिंग लेम डाइल्यूशन। डीसीटी, डीसीटी का फंक्शन कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। कलेक्टिंग डक्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लीडेड कैन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट एंड यूरिया। हाँ यूरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया सेंड बैक टू द इंटरस्टिशियम, मेडुलर इंटरस्टिशियम टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। समझ में आया? अब वो जो यूरिया का जो इम्पोर्टेंस है, सेंड मतलब क्यों भेजा जाता है, और जो ऑस्मोलैरिटी का क्या सिग्निफिकेंस है, ये पढ़ेंगे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म में, ठीक है, कल पढ़ते।